कलम जो करते है ना, कलम करते कट करके कलम बनाते हो, वो जल्दी लगाते। अच्छा वो 3 साल में लगता है। अच्छा तो इस टाइम कुछ नहीं है, काजू कुछ नहीं है। सर मेरी का है, वो मेरी मेरी पापड़ में डालते हैं, देखो टिकट रहता है, वो टिक्का रहता है वो। अच्छा वो मेरी है। हेलो फ्रेंड्स, और आज हमारा day 4 गोवा में, और हमने प्लान किया है आज साउथ गोवा में दूधसागर फॉल्स विजिट करने का। तो अब हम जा रहे हैं, रास्ते में ये भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, और हम जीप की सफारी से वहाँ तक जा रहे हैं। और वाइल्ड लाइफ लवर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है ऑब्जर्व करने का फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे। और यहाँ से सीधा हम लोग दूधसागर फॉल्स की तरफ जाएंगे। दूधसागर फॉल सी लेवल से 310 मीटर की ऊंचाई पे है, और दूधसागर नाम इसका इसलिए पड़ा है कि ये जो वाटर यहाँ से निकल रहा है ये मिल्क की फॉर्म में है, तो मिल्क जैसा अपीयर होता है वो, तो इसीलिए इसका नाम दूधसागर फॉल पड़ा है, जो कि गोवा का काफ़ी मैजेस्टिक वाटरफॉल में से आता है। और ये हम लोगों ने लाइफ जैकेट ली, लाइफ जैकेट भी इसलिए दी गई हमें यहाँ पे क्योंकि रास्ते में काफ़ी जगह पे काफ़ी पानी है यहाँ पे, तो कोई रिस्क ना ले इसलिए उन लोगों ने हमें लाइफ जैकेट प्रोवाइड कराई है। और हम ये ट्रैक पे जाते हुए दूधसागर के, काफ़ी टूरिस्ट वहाँ से वापस आ रहे हैं, और हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड थे देखने के लिए। और रास्ते में हमने काफ़ी एंजॉय किया। और हम फाइनली हम यहाँ दूधसागर फॉल्स में पहुँच गए हैं 2 घंटे के एडवेंचरस ट्रैक के बाद, और वर्थ विजिटिंग है यहाँ पे विजिट करना। कर्नाटक और गोवा के बीच के जो बॉर्डर होता है वहाँ पे ये फॉल आपका पड़ता है। वहाँ पे हमने कई तरीके के जानवर देखे, वाइल्ड लाइफ काफ़ी नेचर के करीब है, मतलब नेचर लवर के लिए और एडवेंचरस लवर के लिए, फोटोग्राफी के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है ये, अ मस्ट विजिट प्लेस। और इसी बीच में हमें ये चेन्नई एक्सप्रेस का सीन दिखाई दिया, जहाँ पे लोगों ने
हूटिंग करनी शुरू कर दी थी। काफ़ी गूज़बम्प हुआ ये सब देख के। काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हुई है यहाँ पे, बॉलीवुड में चेन्नई एक्सप्रेस की हुई है, शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण स्टारर मूवी, सो काफ़ी इन्जॉय किया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे ये लेवल जो था नहाने का पानी का काफ़ी गहरा था, तो काफ़ी कम लोग जा पा रहे थे अंदर लाइफ जैकेट के साथ भी। सो मस्ट विजिट प्लेस इन गोवा, दूध सागर फॉल्स। और ये हमारा डे 5, जो कि काफ़ी मॉर्निंग ही काफ़ी इसकी एडवेंचरस स्टार्ट हुई हमारी। हम लोगों ने बोटिंग की, पेरेंट्स पहले एग्रीड नहीं हो रहे थे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन किसी तरीके से वो एग्रीड हुए और फिर हम लोगों ने बोटिंग की और काफ़ी इन्जॉय किया। काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें। और उसके बाद हमने बम्पर राइड की, जो कि सच में एडवेंचरस थी काफ़ी एडवेंचरस थी ये, कॉस्टली थी बट वर्थफुल थी। उसके बाद हमने लंच किया, गोवन फूड इन्जॉय किया। गोवन फूड बहुत टेस्टी है, फिश थाली, फिश करी, प्रॉन्स, सब कुछ काफ़ी अच्छा है सी फूड। और फिर शाम को हम लोग म्यूज़ियम गए, वहाँ पे हमने अलग अलग स्टैचूज़ के साथ कुछ पिक्स ली। यहाँ पे हम बीच साइड आए हैं शाम को, काफ़ी माहौल अच्छा है यहाँ पे, लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। मॉर्निंग के टाइम पे भी मौसम काफ़ी अच्छा रहता है गोवा में, और शाम के टाइम भी। दिन में थोड़ा गर्म था, ओवरऑल हमने गोवा में बहुत इन्जॉय किया। अ मस्ट विजिट प्लेस अगेन, हम दोबारा आना चाहेंगे यहाँ पे, हमें इतना अच्छा लगा यहाँ पे, और वर्थफुल भी है, पॉकेट फ्रेंडली है। आप भी अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आएँ और एंजॉय करें गोवा की ये ट्रिप। और फिर हम लॉन्ग ड्राइव पे गए, जो कि चेरी ऑन टॉप हो गया। Thank you.